जहाँ एक तरफ कोलकाता फेमस है अपने लिटरेचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक और क्विजिन के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ यह शहर विशेष बनता है भारत के कुछ महापुरुषों की वजह से, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद और मदर टेरेसा। तो आज के इस एपिसोड में हम इन सब महापुरुषों के घरों को विजिट करेंगे और साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर में स्थित उस कार को भी करीब से देखेंगे जिसकी वजह से नेताजी अंग्रेजों के आंखों में धूल झोंककर अपने घर से गायब हो गए थे, जिसे आज भी बड़े गर्व से ग्रेट एस्केप कहा जाता है। तो चलिए भारत के इस गौरवशाली इतिहास से जुड़े हुए इस सफर को शुरू करते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजारे दूंगा, ऐसे फोर्ड स्टेटमेंट देने वाले हमारे नेताजी के घर के सामने हम लोग खड़े हैं। सन 1909 में नेताजी के फादर ने इसको बनाया था। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर घूमने का क्या है। 23 जनवरी 1947 को शरद चंद्र बोस, जो कि नेताजी के बड़े भाई थे, उन्होंने इस घर को म्यूजियम और लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया, जिसका नाम बाद में नेताजी रिसर्च ब्यूरो रखा। चलिए अब जान लेते हैं भारत के गौरवशाली इतिहास के सबसे बड़े एस्केप द ग्रेट एस्केप के बारे में, जो नेताजी ने की थी। यह पृष्ठभूमि तब तैयार होती है जब नेताजी को अंग्रेजों ने दिसंबर 1940 में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप नेताजी 14 दिनों तक बिना अन्न ग्रहण किए अनशन पे बैठ गए, जिससे उनका स्वास्थ्य काफी खराब हो गया, जिससे तंग आकर अंग्रेजों ने उन्हें जेल से तो मुक्त कर दिया, उनके खुद के घर यानी कि नेताजी भवन में हाउस अरेस्ट कर दिया, जहां पर उनको बाहर निकलना तो क्या, किसी से मिलना जुलना भी मना था। अंग्रेजों की मंशा यह थी कि कुछ समय घर पे रहने के पश्चात वो वापस से स्वस्थ हो जाएंगे और उनको पुनः जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन नेताजी के मन में कुछ अलग ही पक रहा था। एक रात उन्होंने अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस जी को अपने पास बुलाया और यहाँ से भाग जाने की मंशा जताई। योजना पूरी बन चुकी थी। रात आती है 16:17 की। नेताजी एक मुस्लिम का वेश धारण करके अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस जी के साथ नीचे उतरते हैं और उनसे कहते हैं कि शिशिर तुम गाड़ी चलाओ, मैं पीछे बैक साइड में बैठूंगा। शिशिर ड्राइविंग सीट पर दरवाजा खोलकर बैठ जाते हैं, लेकिन नेताजी पीछे की सीट पर बैठते तो हैं लेकिन दरवाजे को बंद नहीं करते हैं, ताकि वहां पर उपस्थित अंग्रेज सिपाहियों को यह ना सुनाई पड़े कि दरवाजा दो बार बंद हुआ, इसका मतलब कि कोई पीछे बैठा हुआ है। वह रेयर सीट पर छुप जाते हैं और शिशिर इस नेताजी भवन से उस गाड़ी को लेकर बाहर निकलते हैं और गाड़ी चलाते चले जाते हैं। पूरी रात गाड़ी चलाने के पश्चात वह धन्यवाद के पास स्थित बरारी पहुंचते हैं, जहां से वह गोमोह रेलवे स्टेशन पहुंचकर कालका ट्रेन पकड़ते हैं, जिससे वह दिल्ली पहुंच जाते हैं। नेताजी ने अपना नाम मोहम्मद जियाउद्दीन रखा हुआ था। दिल्ली से वह पेशावर के रास्ते अफगानिस्तान जाते हैं और वहां से सोवियत यूनियन होते हुए जर्मनी पहुंचते हैं, जहां वह हिटलर से मिलते हैं। यह घटना इतनी दिलचस्प और चकित करने वाली थी कि पूरा अंग्रेजी सिस्टम हिल जाता है। इस घटना की साक्षी उनकी कार आज भी इस घर में मौजूद है, तथा उनके घर का वह रास्ता जिससे होकर वह इस गाड़ी तक पहुंचे थे वह आज भी मौजूद है, उसको चिन्हित कर दिया गया है। क्योंकि उनके घर के अंदर कैमरा का इस्तेमाल करना मना था, इसलिए मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। कभी भी आपका कोलकाता आना हो तो नेताजी भवन में पहुंचकर सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से जुड़े हुए इस अद्भुत घटना के साक्षी बन सकते हैं। दोस्तों अगर ऊपर आप देखें तो ये वाला नेताजी का रूम था, वहाँ से वो उतरते हैं और लेफ्ट साइड में जो आप कॉरिडोर देख रहे हैं, यहाँ पे पेडेस्ट्रियन पाथ बने हुए हैं, उधर से वो होते हुए और पीछे की साइड में, वो पीछे की साइड में जहाँ लिख रहा है नेताजी पवेलियन, वहाँ से नीचे उतरते हैं और ये गाड़ी जो आप सामने देख रहे हैं, ये गाड़ी वहाँ खड़ी थी और उसको ये उस पर बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तो इस तरीके से एक ग्रेट एस्केप था, वो हाउस अरेस्ट थे, उनको बाहर निकलना मना था, लेकिन यहाँ से बच के निकल जाते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। दोस्तों मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ आएंगे 20 रुपीज़ का टिकट है। सबसे पहली बात, यहाँ नेताजी की से जुड़ी हुई सारी फोटोज़, उनके लेटर्स, वो क्या ड्रेस पहनते थे, उनके शूज़, सब कुछ यहाँ बहुत ही अच्छे से संभाल के रखा गया है। दूसरा उनका रीडिंग रूम है, जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे जैसा कि आप जानते हैं, तो वो डिसीजन लेते थे, लोग उनसे मिलने आते थे, कैसी बातें होती थी, वो रूम पूरा मेंटेन है,
साथ ही साथ उनका बेडरूम जहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ रहते थे वो भी है। मतलब नेताजी से जुड़ी ऐसी कोई भी चीज़ मुझे लगता है कि जो यहाँ नहीं है। अगर आप कोलकाता आते हैं तो नेताजी भवन जरूर आइए, सिर्फ 20 रुपये का टिकट है, लेकिन एक ऐसी महान हस्ती के बारे में जानने का आपको मौका लगेगा जिसके बारे में सिर्फ आपने सुना है। बहुत अच्छी जगह है, जरूर आइए। अब हम लोग जा रहे हैं रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी का पैतृक घर देखने। चलिए वहाँ चलते हैं और स्वामी विवेकानंद जी के इस घर से उनकी जुड़ी हुई महत्वता को समझते हैं। स्वामी जी के इस घर का निर्माण उनके पिताजी विश्वनाथ दत्ता जी ने कराया था, जहाँ पर विवेकानंद जी ने अपना पूरा जीवन जिया। बाद में उनकी मृत्यु के पश्चात 1962 में रामकृष्ण मिशन नाम की संस्था ने इस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया और मई 1999 को इसको म्यूजियम बना दिया, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। सामने जो आप कक्ष देख रहे हैं यह विवेकानंद जी की माँ भुवनेश्वरी देवी का है, तथा दूसरे कक्ष में आप देख सकते हैं जहाँ स्वामी विवेकानंद जी अध्ययन किया करते थे। कुछ वाद्य यंत्र रखे गए हैं जो स्वामी विवेकानंद जी प्रायः बजाया करते थे। वहीं एक तरफ एक अलमारी भी है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के वस्त्र रखे गए हैं, तो वहीं एक विशेष कमरा भी है जहाँ पर मुखदर, बॉक्सिंग ग्लव्स, डंडे इत्यादि रखे हुए हैं, जो यह प्रमाण देता है कि विवेकानंद जी अपने स्वास्थ्य को लेकर कितना सजग थे। अब हम लोग जा रहे हैं द मिशनरीज ऑफ चैरिटीज मदर हाउस का दर्शन करने, जिसका निर्माण 1950 में स्वयं मदर टेरेसा जी ने किया था। इस पवित्र स्थान का निर्माण मानव जात की निस्वार्थ सेवा और त्रस्त मानवता से मुक्ति के मार्ग पर ले जाने के उद्देश्य हुई थी। 1997 में जब मदर टेरेसा ने अपने नश्वर शरीर को छोड़ा, उन्हें इसी घर के अंदर दफना दिया गया जहाँ पर वह रहकर सेवा किया करती थी। मैंने भी उनकी समाधि के दर्शन किए और यकीन मानिए अद्भुत शांति को महसूस किया। दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ दुनिया के 9वें सबसे बड़े और एशिया के सबसे बड़े म्यूजियम, यानी कि इंडियन म्यूजियम, जिसको पहले इंपीरियल म्यूजियम ऑफ कलकत्ता भी कहा जाता है, को विजिट करने। चलिए वहाँ चलते हैं और भारतवर्ष को करीब से जानते हैं। टिकट परचेज कर लिए हैं, 50 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट है, और अगर आप मोबाइल कैमरा लेना चाहते हैं फोटो खींचने के लिए तो उसका अलग से 50 रुपीज़ चार्ज है। अभी आपके पास DSLR है तो उसका 100 रुपीज़ चार्ज है। चलिए टिकट परचेज कर लिए हैं, टाइमिंग इसकी है 12 to 5:30। चलिए अंदर चलते हैं, देखते कैसा है। दोस्तों, म्यूजियम एक ऐसी जगह होती है जिसके बारे में कुछ भी ठीक ठीक एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, यहाँ पर आप आकर ही आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ इंडियन म्यूजियम के इस अद्भुत सफर में। कोलकाता सीरीज हमारी यहाँ समाप्त हो रही है। कोलकाता में मैंने कई सिद्ध मंदिर, आर्किटेक्चर, यहाँ का लजीज खाना, पार्क, महापुरुषों के घर और म्यूजियम विजिट किया। अगर आपने अभी तक वह सब नहीं देखा है तो कोलकाता प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। यकीन मानिए कि उस प्लेलिस्ट में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। आशा करता हूँ कोलकाता शहर का मेरा यह सफर आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करके और कमेंट करके मुझको बताएं कि कोलकाता में आप कहाँ विजिट किए या आपने कहाँ का जायका लिया। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए शहर में। धन्यवाद।